आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। भारत के गैर बासमती चावल का जलवा कायम है। दुनिया भर में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। चावल निर्यात 2 साल में ही 3 गुना बढ़ गया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 में 2015 मिलियन डॉलर के बराबर के गैर बासमती चावल का निर्यात किया था, जो बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 4,799 मिलियन डॉलर जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में 6115 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में दुनिया भर के 150 से अधिक देशों को चावल का निर्यात किया। वित्त वर्ष 2021-22 में रिपोर्ट किए गए 150 से अधिक देशों में से 76 को 1 मिलियन डॉलर से अधिक का निर्यात हुआ। सभी कृषि वस्तुओं के बीच सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला चावल ही है। अपने एक ट्वीट में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को रेखांकित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियां किसानों को वैश्विक बाजार तक पहुंच प्राप्त करने एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में ही सहायता कर रही हैं। उधर DGCIS ने कहा कि गैर बासमती चावल निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 में 2925 मिलियन डॉलर था। भारत में रिकॉर्ड चावल उत्पादन ने एक्सपोर्ट की संभावना को और बढ़ा दिया है। हालांकि बासमती चावल का एक्सपोर्ट करीब 12% घट गया है, जो किसानों और सरकार दोनों के लिए एक चिंता का विषय है। वहीं अपीडा के अध्यक्ष का कहना है कि विदेशी मिशनों के संयोग के साथ हमारे पास लॉजिस्टिक विकास है, गुणवत्ता उपज के उत्पादन पर फोकस है, इसकी वजह से चावल निर्यात की संभावनाओं को बढ़ावा मिला है। देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम और हरियाणा शामिल हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए द्वितीय अग्रिम आकलन के अनुसार चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 127.93 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले 5 वर्षों के 116.44 मिलियन टन के औसत उत्पादन की तुलना में 11.49 मिलियन टन अधिक है। अफ्रीकी देश बेनिन भारत से गैर बासमती चावल के प्रमुख आयातक देशों में से एक है। इसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश, चीन, टोगो, सेनेगल, गिनी, वियतनाम, जिबोटी, मेडागास्कर आदि भारतीय चावल के मुरीद हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत ने तिमोर लेस्टे, प्यूर्तो रिको, ब्राज़ील, पपुआ न्यू गिनी, जिम्बाब्वे, बुरुंडी, म्यांमार तथा निकारगुआ को गैर बासमती चावल का निर्यात किया। इनमें से कई में पहली बार निर्यात किया गया। केंद्र सरकार का कहना है कि कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न लॉजिस्टिक चुनौतियों के बावजूद भारत अफ्रीकी, एशियाई तथा यूरोपीय संघ के बाजारों में अपने चावल निर्यात की उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है। मजबूत वैश्विक मांग से भी चावल निर्यात में भारत की वृद्धि को सहायता मिली है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। रिकॉर्ड निर्यात चावल उत्पादकों को अपने भंडार को कम करने में सक्षम बनाएंगे तथा किसानों को भी लाभ पहुंचाएंगे, क्योंकि भारतीय चावल के लिए बढ़ी हुई मांग से उनकी प्राप्ति में सुधार आने की संभावना है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।